आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनवर सादत की, इजिप्ट के तीसरे राष्ट्रपति और नोबेल पीस प्राइज इनको मिला, लेकिन जिस चीज के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला उसी चीज के लिए इनको गोली मार दी गई। सोचा था कि इसराइल के साथ अमन चैन काबिज करेंगे, लेकिन लोगों ने बोला कि आप उस देश के साथ अमन काबिज करना चाहते हो, अमन कायम करना चाहते हो जो हमारे लोगों को ही मार रहा है, इसीलिए अनवर सादत को खत्म कर दिया, असासिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम अनवर सादत की कहानी देखेंगे, साथ ही साथ इजिप्ट के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्री पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों आप इजिप्ट देख रहे हैं, बड़ा सा देश है, काफी छोटा नहीं है वैसे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और बगल में है जॉर्डन, इराक, सीरिया, ये सब लगे हुए हैं, इसराइल भी है, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखें 2019 की बात करें तो ज्यादातर देशों में सिविल वॉर है और इजिप्ट में भी मिलिट्री रूल चलता है, तो इतना आसान नहीं है जीना यहाँ पे। लेकिन इजिप्ट की जो इजिप्ट का जो इतिहास है वो गोल्डन रहा है, गोल्डन हिस्ट्री रही है इजिप्ट की, क्योंकि चार सबसे बड़ी पुरानी सभ्यताओं में से एक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आपको पता ही है इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर चाइना में चाइनीज, और इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। और अगर हम बात करें तो चारों सिविलाइजेशन में कॉमन बात यह थी कि चारों सिविलाइजेशन से नदियां गुजरती थी, मतलब नदी से यह सिविलाइजेशन बनी। अगर नदी ना होती तो शायद सिविलाइजेशन बनती ही नहीं। ठीक है, तो लोगों ने नदी का बहुत अच्छे से यूज किया। तो इजिप्ट में आपको पता ही है नील नदी बहती है, गिफ्ट ऑफ द नील, नील का तोहफा बोला जाता है इजिप्ट को। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो यहां पर डायनेस्टिक रूल चला आ रहा है, और उसके बाद जब 18th-19th century आती है तो यूरोप ने पूरा कॉलोनाइजेशन जो है वो स्टार्ट किया। स्पेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया और ब्रिटिश ने भी अमेरिका गया वो, और फिर इधर एशिया भी आया, अफ्रीका भी आया, अफ्रीका तो ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलोनाइज हो गया था। तो उपनिवेशवाद किया यहाँ पे ब्रिटिश ने इजिप्ट में, तो इजिप्ट जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी था और पूरा कंट्रोल था ब्रिटिश का। हालांकि यहाँ पे मोहम्मद अली डायनेस्टी थी जो कि 18th century से चली आ रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, वो सब इजिप्ट ब्रिटिश के ही अंडर थे, पीछे पूरा यही कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन 1882 से लेकर 1952 तक बहुत कुछ हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा कि ये ब्रिटिशर हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और काफी कुछ लूट के भी ले जा रहे हैं, जैसा भारत में हो वैसे ब्रिटिश ने सब जगह यही किया, जैसा भारत में किया सब जगह यही किया। तो 1952 में, अब आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश की जो ताकत है, सत्ता कम होने लगी, यूके का जो साम्राज्य था, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो छोड़ छोड़ के भागने लगी। तो इजिप्ट में भी दोस्तों 1952 में तख्ता पलट हुआ, यहां पे जो किंग फारूक थे, राजा फारूक का तख्ता पलट किया, मिलिट्री ने किया था, और उसके बाद मोहम्मद नागूब जो है वो इजिप्ट के पहले राष्ट्रपति बने। 1956 तक उन्होंने राज किया, और उसके बाद अभी तक के सबसे बेहतरीन इजिप्ट के राष्ट्रपति ये ऐसे थे, जब इबादत करते थे लोग तो इनका चेहरा सामने रखते थे, इनकी फोटो सामने रखते थे, भगवान की तरह मानते थे। इनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर की बात करें दोस्तों तो उन्होंने इजिप्ट के लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए उनको पूजते थे लोग। कोई भी इजिप्ट का इतना बड़ा लीडर नहीं हुआ जो इनकी इनके स्टेचर को मैच कर ले। अनवर सादत गमाल नासिर के साथ ही पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन साथ ही साथ अनवर सादत फेवरेट भी थे नासिर के। नासिर ने ही सादत को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और जब नासिर की डेथ हुई तो अनवर सादत राष्ट्रपति हो गए 1970 में। तो हम देखेंगे दोस्तों, फिलहाल अगर हम इजिप्ट के जूम्ड इन मैप की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, ये है सिनाई पेनिनसुला, आपको ये ट्रायंगल में दिख रहा है कि नहीं, इसी को ही इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था जब 6 ईयर वॉर हुई थी। 6 ईयर वॉर पे मेरा पूरा लेक्चर है, लाखों लाखों लोगों से देख चुके, आप जरूर देखिएगा, पिछले ही मैंने मैंने कवर किया है। ये आपको इसराइल दिख रहा है, ठीक है, इसराइल जो कि पहले ये पैलेस्तीन था, और इसराइल ने आप इसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया, और गाजा पट्टी में जबरदस्त यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, और जो यहाँ पे यहूदी रहते हैं वो पैलेस्तीनियों को भगा भगा के मार रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, और यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका कुछ कर नहीं रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। कहीं पे भी कत्लेआम हो, आज के समय में अगर कत्लेआम हो इतना कुछ होने के बावजूद, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, फिर ये जॉर्डन है, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सीरिया दिख जाएगा। ये एक्चुअली तीसरा वर्ल्ड है, मतलब थर्ड वर्ल्ड, यहाँ पे अब्दुल नसीर थर्ड वर्ल्ड बनाने की बात करते थे। अमेरिका और यूएसएसआर को छोड़ो, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब मिलके अरब, ये तीसरा वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है, और ये जो है अमेरिका और यूएसएसआर को टक्कर देगा, ये कहना था इजिप्ट का। लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच थे,
लीबी और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे देश के राजा नहीं माने, राष्ट्रपति नहीं माने, तो दिक्कत काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखिए जरा दोस्तों कि इसराइल एक ऐसी जगह फंसा हुआ है, अगल बगल सीरिया में सिविल वॉर है, जॉर्डन में भी यही हालात है, इजिप्ट में भी मिलिट्री रूल है, अरब भी, तो यहां पे जेरूसलम एक ऐसी जगह फंसा हुआ है कि मतलब हर तरफ अनस्टेबिलिटी है, लेकिन इसराइल में बिल्कुल अनस्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ की सरकार स्टेबल है। ठीक है, तो ये चीज है। यही पीस ट्रीटी जब हुई थी, जब अनवर सादत ने साइन की थी पीस ट्रीटी, तो ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है सिनाई पेनिनसुला, इसी नहीं मतलब इसी पेनिनसुला को पहले 6 ईयर वॉर 1967 में इसराइल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जब पीस ट्रीटी साइन हुई तो इसको वापस दे दिया था। ठीक है ना, वापस दे दिया था, तो ये बहुत अच्छा हुआ इजिप्ट के लिए। ठीक है, वरना ये पूरा का पूरा एरिया ही चला जाता। अब ये देख सकते हैं आप, ये बीच से बिल्कुल नाइल नदी जो है वो निकल रही है, ये आपको आसवान डैम भी मिलेगा। ठीक है, हाँ ये आसवान डैम, और बहुत ही खूबसूरत ये लेक नासिर भी है। ये आपको दिख रहे हैं स्विस कैनाल, स्विस क्राइसिस हुई थी 1956 1956 में, जिसमें हर कोई शामिल था, और यहां से ब्रिटिश की पूरी ताकत जो है, ब्रिटिश और फ्रांस की पूरी ताकत खत्म हो गई स्विस क्राइसिस। उसमें पूरा एक लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं रेड सी को मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट करता है, ये देख रहे हैं ना, ये स्विस। ठीक है, ये छोटा सा पैसेज जो है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप जूम इन करेंगे तो अच्छा, मतलब हालांकि मैप में आपको छोटा दिख रहा है, असली में आप जाएंगे तो बहुत चौड़ा है। ठीक है, तो ये स्विस कैनाल इसको कहते हैं, जो रेड सी से मेडिटरेनियन सी को यहां से कनेक्ट करता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे ये आपको स्ट्रेट ऑफ तिरान मिलेगा, और इजिप्ट ने क्या किया था कि इसी स्ट्रेट ऑफ तिरान को, ठीक है ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भैया इसराइल जो है वो यहीं से ही जाएगा, ठीक है, इसी स्ट्रेट से ही जाएगा, और इसी को ही काट दिया था इजिप्ट ने कि बेटा तुम्हारे शिप तो नहीं वापस मतलब यहां से जाने देंगे, जिसकी वजह से 7 ईयर कह रहा हूँ 6 डे वॉर हुई थी। ठीक है, तो उसको उसका मैं पूरा लेक्चर कवर कर चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा। तो अब हम आते हैं अनवर सादत पे। इनका जन्म जो है क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर 1918 में हुआ था, इजिप्ट में मनुफिया में हुआ था, छोटे से गांव में हुआ था, और बहुत ही गरीब परिवार था इनका। ठीक है, 13 भाई थे और एक बहन थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार था। इनके जो पिताजी थे अनवर मोहम्मद अल सादत, और इनकी माताजी का नाम था अलबरीन, ठीक है, सित अलबरीन। ठीक है, तो ये चीज थी। उस समय सूडान और इजिप्ट एक ही थे, है ना, अलग नहीं थे उस समय सूडान और इजिप्ट जो है वो, इस समय तो सूडान एक अलग कंट्री हो गया, लेकिन उस समय एक ही थे। ये एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन एक्टर नहीं बने, ये मिलिट्री में गए, रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग ली 1938 में, और उसके बाद फिर ये सिग्नल कॉर्प्स में, मतलब उनकी एक बटालियन थी सिग्नल कॉर्प्स में, इनको जगह मिलती है, और यहाँ पे ये अब्दुल नसीर के साथ पढ़ते थे। अब्दुल नसीर इनको यही मिले और बहुत कुछ सीखा उन्होंने। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनवर सादत जो है शुरू से ही ब्रिटिश को बिल्कुल एक दुश्मन मानते थे, और वो तो मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से बस मुझे मौका मिले और इनको बाहर उठा के फेंक दूं। इनफैक्ट मिलिट्री में ज्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि ब्रिटिश को उखाड़ के बाहर फेंक दे। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा मौका था, एक ऐसा इवेंट हुआ, जो भी ब्रिटिश का दुश्मन था वो सब ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। अब एक्सिस पावर जो थी, जापान, जर्मनी और इटली, अब बहुत सारे लोग इनके साथ हो गए। ठीक है, बस ब्रिटिश हार जाए, क्योंकि अकेला यूरोप में ब्रिटिश बचा था, ठीक है, यूके बचा था जो लड़े जा रहा था, और वो भी कब तक टिकता, अगर रशिया में मतलब यूएसएसआर में, सोवियत में, अगर जर्मनी की हार नहीं होती तो ब्रिटिश भी हार जाता। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अनवर सादत जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, लेकिन वो दिखा रहे थे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जो इजिप्ट में आर्मी है वो तो ब्रिटिश के अंदर है ना, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही, और अफ्रीका में तो जबरदस्त युद्ध चालू था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो यहां पे भले ही वो ब्रिटिश ऐसा दिखा रहे हो कि हम ब्रिटिश के साथ हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश हार जाए। अब ये बात जब ब्रिटिश को पता चली कि ये इंसान जो है और बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं इस वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो काफी टाइम तक ये जेल में रहे, और उसके बाद जब 1952 में इजिप्शियन रेवोल्यूशन, जिसको जुलाई रेवोल्यूशन बोला जाता है, 23 जुलाई को जब ये हुआ, पूरा तख्ता पलट हो गया और किंग फारूक को यहां पे उखाड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोहम्मद नागूब को प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि 1952 से लेकर 1956 तक नागूब प्रेसिडेंट, और 1956 के बाद गमाल अब्दुल नसीर जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और जब वो प्रेसिडेंट बने तब तो अनवर सादत की बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पे अनवर सादत ऑलरेडी गमाल अब्दुल नसीर के दोस्त थे, उनके साथ पढ़े हुए थे, दोनों की अच्छी जमती भी थी। तुरंत ही यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली चुन लिया गया जो अनवर सादत हैं,
उसके बाद इनको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। हालांकि अनवर सादत ये बताते हैं कि जो नासिर थे वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, इसीलिए अगर मुझे कुछ भी बात बोलनी होती थी तो मैं अकेले में बोलता था, ऐसे सबके सामने नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते थे। तो यहां पे अब्दुल नसीर जो है उन्होंने अनवर सादत को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। अब उसके बाद जब अब्दुल नसीर की डेथ हुई 28 सितंबर 1970 में, तब सादत एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और उसके बाद अक्टूबर आते आते इनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन अनवर सादत का जो व्यक्तित्व था, इनको बड़ा वीक प्रेसिडेंट माना जाता था। एक्चुअली अनवर सादत जो थे वो नासिर के बहुत ज्यादा करीबी थे, तो उनको ताकत बहुत मिली थी, तो यहाँ पे लोग मानते थे कि इनका कुछ ऐसा कद नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी ताकत है इनके पास, इन्होंने ऐसा कुछ किया तो है नहीं। तो अनवर सादत को ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा ही कमजोर इंसान है और इसको हम आसानी से उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा सरकार में जो लोग थे वो सोच रहे थे और मिलिट्री के बहुत सारे लोग भी सोच रहे थे। लेकिन एक एक करके बड़ी चालाकी से अनवर सादत ने सबको जेल में डाल दिया जो भी इनके खिलाफ साजिश कर रहा था। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इससे हमको यही सीख मिलती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही प्रेसिडेंट बने, दोस्तों आपको पता ही है, मैंने बताया भी था जब अपने पिछले लेक्चर्स, मैंने जो भी इजिप्ट के लेक्चर्स लिए हैं, तो मैंने बताया था कि यहां पे इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। अब 1948 में ही अरब और इसराइल के बीच में, जो भी अरब कंट्रीज है उनके बीच में वॉर शुरू हो गया, ठीक है। इसराइल चाहता था कि भैया जो हमारा एरिया है, क्योंकि उनको तो कहीं रहने की जगह ही नहीं थी, उनको रहने की जगह चाहिए थी, तो फलस्तीन में जब उनको जगह मिली तो धीमे धीमे करके जैसे जैसे साल आगे बढ़े वो फलस्तीनियों को खदेड़ते गए और पूरा एरिया लेते गए वो। अब ये जितनी भी अरब कंट्रीज थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो यहां पे काफी बार वॉर हुई, ठीक है, काफी बार युद्ध हुए, काफी बार छुटपुट्टे युद्ध हुए, छोटे मोटे जो होते हैं, ठीक है। तो 1956 में स्विस क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटिश दोनों का ही जो ताकत है, जो आधिपत्य है, वो कम हुआ। फिर 1967 में सिक्स डे वॉर हो जाती है। अब सिक्स डे वॉर में चाल तो ये थी कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों मिलकर इसराइल को हराएंगे, लेकिन इससे पहले ही इसराइल ने इजिप्ट पे युद्ध छेड़ दिया। पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ, क्योंकि 6 दिन में इसराइल ने मारपीट के बराबर कर दिया इजिप्ट को। सिर्फ 6 दिन लगे थे, क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ था कि यहां पे यूएसएसआर, क्योंकि इजिप्ट जो था वो यूएसएसआर पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था और अब्दुल नसीर यूएसएसआर के बहुत ज्यादा करीबी थे, अमेरिका से काफी अलग थे, ठीक है, और अमेरिका के बाद बातें भी नहीं थी और अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। तो यूएसएसआर ने नासिर को यह बोल दिया कि इसराइल तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, जिसकी वजह से यहां पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए इसराइल पे, ठीक है। जो मैंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ तिरान था एकमात्र रास्ता जहां से इसराइल की शिप्स जाते थे, वही काट दिया इजिप्ट ने। अब मूड खराब हो गया इसराइल का, तो इसराइल ने पहले ही हमला कर दिया, पहले यह खबर फैलाई कि हम कोई हमला नहीं करने वाले, उसके बाद एकदम से हमला कर दिया, संभालने का मौका ही नहीं दिया इजिप्ट को। और देखते ही देखते इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों देशों की आर्मी को ध्वस्त कर दिया, उनकी एयरफोर्स को भी ध्वस्त कर दिया, और 1967 में तीनों देशों के कुछ पार्ट्स उन्होंने ले लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दोबारा 6 साल बाद वॉर हुई, लेकिन इस बार अनवर सादत थे प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि 1970 में हम ये देखते हैं कि अब्दुल नसीर तो चले गए। तो 1973 में दोबारा यूम किपर वॉर हुई, अक्टूबर वॉर जिसको बोला जाता है। अब यूम किपर वॉर में भी हम देखते हैं इसराइल ही जीता, लेकिन अब बहुत हो गया था, युद्ध बहुत हो गया था, फिर ऑयल क्राइसिस भी हो गई थी कि यहां पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना कि जो सिनाई पेनिनसुला है उसको इसराइल ले गया था, वो काफी बड़ा इजिप्ट का पार्ट है। तो यहां पे अनवर सादत लगातार प्रेशर बना रहे थे कि हमको ये चाहिए वरना हम ऑयल प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो भैया अमेरिका ने फिर हस्तक्षेप किया था कि भैया ये क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला था कि अब ऐसा है कि ये जो वॉर है इसको खत्म करो और बहुत अब लड़ाई मत करो तुम दोनों, और चुपचाप आओ टेबल पे बैठो, पीस ट्रीटी साइन करो। तो अनवर सादत थोड़ा लिबरल किस्म के इंसान थे, है ना, थे वो डिक्टेटर ही, प्रेसिडेंट तो क्या खाली नाम मात्र, एक्चुअली जो भी इजिप्ट में आता है वो डिक्टेटर ही है, समझ लीजिए वहां पे वन पार्टी रूल है, तो थे तो वो डिक्टेटर। अब यहां पे हालांकि अनवर सादत के जो रिफॉर्म्स है वो काफी अच्छे थे, उन्होंने इजिप्ट में उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, भैया वॉर अगर हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है तो हमेशा देश में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तो महंगाई बहुत ज्यादा थी, लोगों को दिक्कत, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास मकान नहीं थे, लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। तो यहां पे अनवर सादत ने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक नासिर थे तो नासिर ने सब कुछ सेंट्रलाइज्ड करके रखा हुआ था, एक एक चीज जो थी वो सरकार के हाथ में थी। तो अनवर सादत ने बोला कि अब ऐसा करेंगे कि हम
इकोनॉमी को खोल देंगे, प्राइवेटाइजेशन शुरू करेंगे, जिसको इनफिताह बोला गया, ठीक है ना, जिसको इनफिताह मतलब होता है ओपनिंग, अरब में इसका मतलब है। तो इनफिताह किया यानी कि अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया, जिसकी वजह से इजिप्ट वालों को राहत मिली, गरीबी कम हुई, इन्फ्लेशन कम हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स थे इनकी, अनवर सादत की फॉरेन पॉलिसी तो बहुत ही अच्छी, करेक्टिव रेवोल्यूशन नाम से भी इन्होंने एक मुहिम चलाया। करेक्टिव रेवोल्यूशन ये था दोस्तों, अनवर सादत के खिलाफ कोई भी बोले, क्योंकि 1970 की बात है, एक साल ही हुआ था इनको राष्ट्रपति बने, इनके खिलाफ बहुत साजिशें हो रही थी, ठीक है, और इनको शायद उखाड़ के फेंक ही दिया जाता, लेकिन बड़ी चालाकी से जैसे ही ये राष्ट्रपति बने तुरंत एक्शन में आ गए, जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था सबको जेल में डालो, बहुत लोगों को तो मार दिया, ठीक है, कितने लोगों को इन्होंने निपटा दिया, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अनवर सादत के वफादार थे, लेकिन तब भी उनको निपटा दिया शक के कारण। इसको इन्होंने करेक्टिव रेवोल्यूशन नाम दिया कि भैया हम सब चीज करेक्ट कर रहे हैं, वापस बैलेंस कायम कर रहे हैं। नसीर की, गमाल अब्दुल नसीर की जो पॉलिसीज थी वो अनवर सादत ने पूरी रिवर्स कर दी। नसीर ने पूरा सेंट्रलाइज्ड करके रखा था, वो यहां पे अनवर सादत ने पूरी इकोनॉमी खोल दी, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। नसीर सोवियत की तरफ ज्यादा थे, लेकिन सादत अमेरिका की तरफ ज्यादा हो गए, ठीक है, अमेरिका की बात उन्होंने मान ली, अमेरिका ने ही प्रेशर बनाया था ना अनवर सादत के ऊपर कि आप एक काम करो, आप इसराइल से पीस ट्रीटी साइन करो, तो अनवर सादत ने बात मानी, और ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप एक देश के कहने पे ऐसा क्यों कर रहे हो। अमेरिका मीडिएटर था, इसराइल और इजिप्ट के बीच में अमेरिका मीडिएटर बना, ठीक है ना, तो ये चीज थी। अब यहां पे अनवर सादत ने जब ये पूरा हो रहा था और ये पीस टॉक्स शुरू हो गई 1973 के बाद से ही, तो अनवर सादत ने ये बोला कि हमको सिनाई पेनिनसुला चाहिए, उसके नीचे तो हम कुछ नहीं मानेंगे। शुरू में इसराइल ने रिफ्यूज किया, लेकिन जब ऑयल प्राइसेस बढ़े, ऑयल क्राइसिस हो गई भैया 1973 के बाद से, यहाँ पे जो अब आपको पता ही है, ये जो पूरा रीजन है वेस्ट एशिया का, यहाँ पे कितना तेल निकलता है, अब इधर इसराइल पूरी दुनिया का तेल निकाले हुआ था कि तुम तो आओ हम पे अटैक कर दो, जितने भी लोग हैं सारी देश हम पे मिल के अटैक कर दो, लेकिन तब भी हम बच जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने बोला इसराइल से कि ऐसा मत करो, बहुत हो गया है, हम सबको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए तुम अब टेबल पे आओ, पीस ट्रीटी साइन करो, ऐसा चलेगा नहीं, कब तक लड़ते रहोगे। तो शुरू में तो इसराइल ने बोला नहीं नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, लेकिन बाद में जब प्रेशर बनाया गया तब फाइनली हम देखते हैं कि इसराइल मान गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। ट्रीटी को 1979 में साइन किया गया था, ये पहले राष्ट्रपति बने थे इजिप्ट के जो जेरूसलम गए थे, मतलब इसराइल गए थे, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये चीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी इन्होंने इंस्टीट्यूट कर दिया था, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल थे गमाल अब्दुल नासिर के, उसको नासिरिज्म बोला जाता था, तो उन्होंने नासिरिज्म हटा के अपना ही एक पूरी डॉक्ट्रिन ले आए कि हमारे हिसाब से चलेगी, लेकिन अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पीस ट्रीटी 26 मार्च 1979 को अनवर सादत और इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाकेम बेगिन के बीच में साइन हुई, और दोनों को ही नोबेल पीस प्राइज मिला इसी चीज के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। और इसराइल ने फिर सिनाई पेनिनसुला जो है वो दे दिया, और उसके बाद जो है वो चीजें सामान्य होनी शुरू हुई, क्योंकि जब भी वॉर होता था तो अमेरिका को भी बीच में कूदना पड़ता था, अमेरिका को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो ये बहुत सारी चीजें हुई। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी वो मैंने आपको बता ही दिया है कि नासिर की सोशलिस्ट पॉलिसी थी, लेकिन इन्होंने पूरा इकोनॉमी पे कंट्रोल किया, और थोड़ी इनकी कैपिटलिस्टिक पॉलिसी हुई, इन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की, लेकिन इसका फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। अब होता क्या था कि समय समय पर अनवर सादत के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते थे, लेकिन जब भी ऐसा कुछ प्रोटेस्ट होता था ये तुरंत ही क्या करते थे, उन सबको पकड़ के या तो मरवा देते थे या जेल में डाल देते थे, जिसकी वजह से ये अनपॉपुलर होते जा रहे थे, धीमे धीमे अनपॉपुलर होते जा रहे थे। ईरान के साथ भी बहुत अच्छे इन्होंने रिलेशन बनाए, ठीक है, इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे इन्होंने रिलेशन बनाए ईरान के साथ, ठीक है। अब ईरान के जो उस समय शाह थे, जो समय राजा थे, रेजा पहलवी, उन्होंने तो इनको भाई तक बोल दिया था, ठीक है, यहां तक जब इनकी मौत हुई थी, जब इनको मारा गया था सादत को, तो सबसे ज्यादा धक्का तो ईरान को ही लगा था, ठीक है। तो यहां पे ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो इन्होंने फॉरेन रिलेशनशिप मतलब फॉरेन पॉलिसी पे अच्छा खासा ध्यान दिया, अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे किए, इसराइल से भी रिश्ते अच्छे किए, ईरान से भी रिश्ते अच्छे किए, बाकी सबसे तो रिश्ते अच्छे थे ही, लेकिन जो इसराइल की पीस ट्रीटी थी ये सबको पसंद नहीं आई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसराइल जो है फिलिस्तीनियों को इतना मार रहा है, जो जिहादिस्ट ग्रुप थे जिसमें अल जिहाद जो एक ग्रुप था वो कह रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जो बहुत ही कट्टरवादी थे वो बोल रहे थे कि हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है।
कई बार इनका तख्ता पलट करने की कोशिश की गई लेकिन ये हो नहीं पाया। अब मिलिट्री में इनके खिलाफ जो है वो प्लानिंग शुरू हो गई। आपको एक और चीज बता दूं, मैं एक और चीज बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी को कैंप डेविड अकॉर्ड भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। और जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वो जिमी कार्टर थे, ठीक है। जिमी कार्टर, ऐसा बोला जाता है कि जिमी कार्टर ही दोनों को टेबल पे लेके आए थे, इसराइल और इजिप्ट को, और जो मीडिएटर थे, ठीक है, वो थे जिमी कार्टर, ठीक है। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर अमन चैन कायम हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया, सबको पसंद नहीं आया। अब इनके मिलिट्री के जो लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, खालिद इस्लाम बोली, उन्होंने इनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी दोस्तों। अक्टूबर में ही, 1981 अक्टूबर में ही इनको असासिनेट कर दिया गया। इससे पहले भी काफी कुछ करने की कोशिश की गई थी, तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। अब 1981 आते आते अनवर सादत की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफी कम हो गई थी, ठीक। क्या था कि हर साल परेड होती थी, अभी भी होती है, इजिप्ट में परेड होती है, और अनवर सादत के टाइम पे इस तरीके की परेड होती थी। बड़े ही मतलब ग्लैमरस टाइप से रहते थे अनवर सादत, अपने आप को एक हॉलीवुड हीरो की तरह दिखाते थे। परेड भी ऐसा लगता था कि डिज्नीलैंड में हम लोग घूम रहे हैं अनवर सादत के टाइम, तो इस तरीके से परेड होती थी। तो अब दोस्तों क्या है कि ये बात है 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर को क्या हुआ कि अनवर सादत वैसे तो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी से बोला कि आज मैं सुबह उठे, वो सुबह उन्होंने मालिश करवाई और उसके बाद बोला कि आज मैं जैकेट पहन के नहीं जाऊंगा। तो उनकी बीवी ने बोला, क्यों, आज परेड है, परेड का दिन है, और जैकेट पहन के इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मोटा लगता हूं, ठीक है, जैकेट में काफी मोटा मेरा शरीर लगता है, तो वो अच्छा नहीं देखने में लगता है, तो मैं फिर इसको अवॉइड करूंगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये गए, उसके बाद जब ये परेड में गए, मिलिट्री वालों ने ऑलरेडी, यहां पे हम देखते हैं जो खालिद इस्लाम बोली हैं, उन्होंने ऑलरेडी सब प्लानिंग करके रखी थी। अब खालिद इस्लाम बोली ने कुछ बंदूकें छुपा दी थी। अब क्योंकि परेड में बंदूकें लाना तो अलाउड है नहीं, तो यहां पे कुछ बंदूकें छुपा दी थी, कुछ मशीन गन्स थी, और उन मशीन गन्स में मार्क लगा दिए थे, ठीक है, कि जब असासिनेटर्स आए, जो जिनको ये काम दिया गया है कि अनवर सादत को आपको मारना है, तो आप पहचान सके कि कौन सी बंदूक उठानी है। तो असासिनेटर्स आए, उन्होंने बंदूक उठाई, और जब परेड शुरू हुई, परेड देख रहे थे अनवर सादत, एकदम से एक धमाका होता है और निकाली बंदूक, उन्होंने मशीन गन्स थी, अनवर सादत के शरीर को छलनी कर दिया। अनवर सादत जैसे ही कुछ कर पाते, उनको पता भी लग पाता, तब तक उनको गोली लग चुकी थी। अगल बगल जितने भी लोग थे, ठीक है, जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके पास बंदूक नहीं थी, वो कुछ रिएक्ट कर पाते, उनको पता ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। परेड में यहां पे गोलियां चल गई हैं और अनवर सादत को मार दिया गया है। उसके बाद दोस्तों फिर खालिद इस्लाम बोली को पकड़ा गया। उन खालिद इस्लाम बोली को ये लगा था कि मैं बहुत ही कुछ क्रांतिकारी कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्हें पूरी साजिश रची थी और फिर अप्रैल 1982 में खालिद इस्लाम बोली को, मतलब इनको, इनके ऊपर केस चला और इसको बोला कि फिर सेंटेंस टू डेथ। तो अप्रैल 1982 में खालिद इस्लाम बोली भी खत्म। अब उसके बाद 1981 में जो सत्ता आई, क्योंकि ये तो मर गए अनवर सादत, होस्नी मुबारक ने सत्ता संभाली, और 2011 तक, 1981 से लेकर 2011 तक, 30 साल तक होस्नी मुबारक का रूल चला, डिक्टेटरशिप जिसको आप कहेंगे। फिर अरब स्प्रिंग आ गया, होस्नी मुबारक हटे, अब इजिप्ट में ऐसा लग रहा था डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन खाली एक डेमोक्रेसी का मुखौटा सामने आया, क्योंकि फिर 2014 में फतेह एल सीसी बन गए प्रेसिडेंट, मिलिट्री का रूल अभी भी चल रहा है। तो ये कहानी थी अनवर सादत और ये कहानी थी इजिप्ट की। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ रहे पढ़ते रहे, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।